एवरी मार्च, फर्स्ट ऑफ मार्च इज अ 15 दिन का एक पीरियड होता है न्यू ईयर्स का टिबेटन्स का, जिसको हम बोलते हैं लोसार। तो पहले 3 दिन जो होता है वो होता है उनकी पूजा, और जो बाकी के 12 दिन होते हैं वो होते हैं सेलिब्रेशन के। तो आज है 12 मार्च, और इसलिए हमने क्या करा है, हमने कुछ टिबेटन्स को यहाँ बुलाया है और कुछ यहाँ पे अपने फेलो इंडियंस को बुलाया है, ताकि इस कल्चर के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता लग सके। जी नमस्कार, मेरा नाम पेमा डोलमा है और मैं तेंजिन सुन रही हूँ। मैं यूजली धर्मशाला में रहता हूँ हिमाचल में, और आज इस इवेंट के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्पेशली आया है इस इवेंट के लिए। हम लोग एक टिबेटन किचन चलाते हैं, उस किचन में टिबेटन खाना सर्व करते हैं, और मैं अपने आप को एक खाने का एक्टिविस्ट कहलाती हूँ। हम लोग सब रिफ्यूजीज़ हैं, बॉर्न एक्टिविस्ट। तो खाने के दौर मीडियम से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सबको अवेयरनेस हो हमारे टिबेटन्स के बारे में, टिबेटन कल्चर्स के बारे में, टिबेटन खाने के बारे में, और जो हम टिबेट से आए थे और अभी तक जो डाइवर्जन हुआ है खाने से लेके कल्चर में, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ये इवेंट जो हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि सब जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं सबको थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि अभी हम लोगों का क्या सिचुएशन है टिबेटन्स का, ऑल ओवर इंडिया, टिबेट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी हम लोग क्या क्या कर पा रहे हैं। तो दिस, ये सबसे अच्छा मीडियम लगा कि हम इस तरीके से लोगों को जोड़ सके कि सब हिंदी में कहना है कि एक इंसान का दिल हमेशा जीता जाता है एक पेट से, और खाना सर्व करके हमने कहा कि ये इवेंट किया जाए। खाना अभी इतनी कन्फ्यूजन है खाने में, चाइनीज़ खाने में और टिबेटन खाने में बहुत फ़र्क है। पहले एक तो ये स्ट्रीट फूड बन गया है, उसको हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा रेस्टोरेंट क्वालिटी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कन्फ्यूजन है चाइनीज़ और टिबेटन खाने में वो कन्फ्यूजन हटाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने खाने को चाइनीज़ खाना नहीं कहलवाना। और मोमो और थुक्पा सिर्फ सबको पता है, हमें ये भी लोगों को ये चेंज करवाना है थॉट प्रोसेस कि मोमो और थुक्पा के अलावा भी टिबेटन में बहुत सारे ऐसे प्रकार के खाने हैं जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मोमो और थुक्पा, जैसे सबको पता है स्टिंगमो है स्टीम ब्रेड, शाप्टा है एक मीट का ऑप्शन जो चिली चिकन कहलाते हैं लोग काफ़ी सारे, जो चिली चिकन नहीं है असली में, वो शाप्टा है, हमारा टिबेटन स्टाइल में कुक्ड है, हर्ब्स भी सारा टिबेटन स्टाइल में डाला जाता है। और बहुत सारे टिबेटन खाने कंफर्ट फूड है, स्ट्रीट फूड नहीं है। तो आप जब कंफर्ट फूड बोलते हो तो आप घर से जुड़ते हो, आप कहीं बाहर काम कर रहे हो तो आपको घर का खाने का मन करता है, कंफर्ट खाना जो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देता है ऐसे खाना खाने का मन करता है। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा बताएं, डाइवर्जन्स बहुत सारे हुए हैं। टिबेट में हरी सब्जी नहीं होती थी, आजकल टिबेट में सारे रेस्टोरेंट में जो इंडिया में है उसमें बहुत सारी हरी सब्जी डलती है। टिबेट में इतनी ठंड की वजह से सिर्फ आपको एक सीजनल रूट सब्जी मिलती है, जैसे आलू, लौकी, गाजर और रेडिश जो मूली कहलाती है हिंदी में। तो हम वो थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि इतना कुछ है हमारे खाने में। और इसमें अहमियत यहाँ आता है कि टिबेटन खाना जो है वो इंडिया में आपको सबसे नज़दीकी खाना जो है वो आपको हिमालय में मिलेगा। अगर आप लद्दाख में जाएंगे, लाहौल स्पीति किन्नौर में जाएंगे, उत्तराखंड में, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल में जाएंगे, वहाँ खासियत क्या है कि ऊंची पहाड़ों में वहाँ की हर्ब्स जो है बिल्कुल अलग होता है। जैसे ब्लैक मशरूम बोलते हैं हम टिबेटन में, मोगरो बोलते हैं, वो बहुत पौष्टिक होता है और वो पूरी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग जगह में मिलते हैं। दूसरा एक जिम्बू होते हैं, वो एक दिखने में प्याज की पत्ते जैसे हैं दिखने में, लेकिन ये पूरी हिमालय क्षेत्र की ऊंची जगह में पाए जाते हैं, ठंड में उगती है, और ये खाने के खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट बना लेते हैं। एवरी मार्च, फर्स्ट ऑफ मार्च इज़ अ 15 दिन का एक पीरियड होता है न्यू ईयर्स का टिबेटन्स का, जिसको हम बोलते हैं लोसार। तो पहले 3 दिन जो होता है वो होता है उनकी पूजा, और जो बाकी के 12 दिन होते हैं वो होते हैं सेलिब्रेशन के। तो आज है 12 मार्च, और इसलिए हमने क्या करा है, हमने कुछ टिबेटन्स को यहाँ बुलाया है और कुछ यहाँ पे अपने फेलो इंडियंस को बुलाया है, ताकि इस कल्चर के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता लग सके। हमारे ऑलमोस्ट 100 से 150 लोग हैं जो एक इवेंट के लिए आए हैं, और सिंस ये हमारा पहला इवेंट है, हम मानते हैं ये बहुत बड़ी सक्सेस है अपने आप में।
कि हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। इस इवेंट का मोटिव है अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ साथ ऑल्सो एंटरटेनमेंट, बट मेजरली हमारा जो फोकस है वो है अवेयरनेस अराउंड टिबेटन कल्चर। सो दिस इज द हिमालयन लोसर फेस्टिवल दैट वी हैव कम टू टुनाइट इवनिंग एंड रियली एक्साइटेड अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फेस्टिवल। तुम्हाला आवाज येतच असेल, सो देर आर दीज यू नो ऑथेंटिक इंस्ट्रुमेंट्स बीइंग प्लेड, वन ऑफ दोज वॉज हँड पॅन। Right now I am also having authentic Tibetan drink called chang, and then we'll be traveling trying delicious authentic delicacies, Tibetan delicacies. So yeah, having lots of fun. And Himalayan Losar Fest, जैसे ये Instagram पे post देखी तभी मुझे, मैंने decide कर लिया था कि let's do it, let's go for this fest. काफ़ी सालों के बाद मैं ऐसा कोई event attend कर रहा हूँ। Especially Tenzing's speech was very inspiring, very interesting.